नमस्कार दोस्तों, IPL 2020 को लेके बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप लोग IPL को लाइक करते हो, IPL के फैन हो, IPL को पसंद करते हो, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट बॉक्स में जाके आपका कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हो। दोस्तों IPL 2020 बहुत जल्द शुरू होने वाला है, वीडियो एंड तक देखें। मैं जगदीश, आप देख रहे हो न्यूज़ अपडेट पर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे सिर्फ आपको क्रिकेट से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। दोस्तों आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे दिया गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे कि BCCI IPL को क्यों करवाना चाहता है, IPL करवाने के पीछे क्यों है, यदि IPL रद्द हो जाता है तो BCCI को कितना नुकसान होगा, प्रसारणकर्ता को कितना नुकसान होगा, खिलाड़ियों को कितना नुकसान होगा या फ्रेंचाइजी को कितना नुकसान होगा, सब कुछ आप इस वीडियो से जान पाओगे, वीडियो एंड तक देखें। दोस्तों BCCI की आधिकारिक सूत्रों की माने तो IPL बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आप IPL की ओपनिंग डेट के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखें। BCCI IPL को क्यों करवाना चाहता है, इसके पीछे कई कारण है, जिसमें से फर्स्ट नंबर का कारण है कि दोस्तों BCCI को 2000 करोड़ रुपए केंद्रीय प्रायोजकों से मिलता है। नंबर दो कारण की बात की जाए तो आपको बता दें कि प्रसारणकर्ता को विज्ञापन से 3300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। कारण नंबर तीन की बात की जाए तो सभी खिलाड़ियों को मिला के 700 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। नंबर चार कारण की बात की जाए तो आपको बता दें कि IPL की मेजबानी करने वाले स्टेट को 56 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। नंबर पाँच पॉइंट की बात की जाए तो आपको बता दें कि सभी फ्रेंचाइजी को 250 करोड़ के साथ 30 करोड़ रुपए स्थानीय राजस्व से मिलता है। कुल मिला के हर फ्रेंचाइजी को 280 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। पॉइंट नंबर छः की बात की जाए तो आपको बता दें कि केंद्रीय प्रायोजकों से 800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। यदि IPL 2020 रद्द होता है तो BCCI को मिला के प्रसारणकर्ता, खिलाड़ियों व मेजबानी करने वाले स्टेट को मिला के व इवेंट करने वाली कंपनियों को मिला के टोटल 9000 से 10000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। इसी वजह से दोस्तों BCCI IPL 2020 को करवाने के पक्ष में है। दोस्तों IPL 2020 की शुरुआत कब होने वाली है ये भी जान लीजिए। BCCI सूत्रों की माने तो IPL 2020 की शुरुआत 15 अप्रैल से होने वाली है। लेकिन दोस्तों 15 अप्रैल से IPL शुरू हो सकता है, लेकिन इसके अंदर विदेशी खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई नहीं दे सकते। 15 अप्रैल को विदेशी खिलाड़ी इंडिया में आने के बाद में भी 14 दिन तक मैच नहीं खेल सकते। कुल मिला के दोस्तों सूत्रों की माने तो IPL 2020 के 90% चांस होने के, वहीं दोस्तों 10% IPL रद्द होने का चांस भी बनता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हो। इसी तरह की न्यूज़ के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ अपडेट पल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।